दोस्तों, अब चलते हैं अज्ञात सफर पर, जो कि द हिडन हिंदू का पहला चैप्टर है। ये गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूर्य का प्रकाश अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था। नीला आसमान और सुबह की हवा तरोताजा करने वाली थी। केवल एक हेलीकॉप्टर की आवाज उस शांतिमय वातावरण को भंग करने के लिए काफी थी। इस उत्तम नजारे के बीच हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर लेटा हुआ था। चार बंदूकधारी उस पर ऐसे आंखें गड़ाए बैठे थे मानो अनंत काल से उसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ था और उसकी दाढ़ी मूछें असामान्य रूप से बढ़ी हुई थी। उसके लंबे काले व बिखरे हुए बाल भी उसे और रहस्यमयी बना रहे थे। 40 साल की उम्र के लिए वह काफी जवान प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा तराशा हुआ और उसकी त्वचा आकर्षक व चमकदार थी, जिसने उसके चारों ओर एक सुंदरता की आभा बनाई हुई थी। उसका शरीर हेलीकॉप्टर की धमनी पर हिचखोले खा रहा था और जब भी वह हिलता, उसका शरीर हवा में राख के कण छोड़ता जाता। उसकी बेहोशी उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोक रही थी कि वह कौन है। जो भी उसे देखता वह जिज्ञासु और मोहित हो उठता। पायलट ने घोषणा की, 11,6755 डिग्री उत्तर, 92,7000, 626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रास द्वीप पर लैंडिंग करेंगे। रास द्वीप अंडमान द्वीप समूह का एक सबसे सुंदर द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। यह जंगल दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ साथ प्रकृति के सबसे बेहतरीन उपहार शांति में मनुष्य को खींच लाती है। द्वीप की सुंदरता के बीच एक गुंबद के आकार का एक उच्च तकनीकी सुविधा केंद्र है, विशुद्ध रूप से अनुसंधान के उद्देश्य के लिए पृथक भूमि पर बनाया हुआ शानदार साम्राज्य वैभवशाली पुरुषों को भी प्रभावित कर लेता था। नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा केंद्र अत्यधिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणाली का दावा करता था। इसकी रचना और निर्माण केवल सीसी से किया गया था। इस सुविधा केंद्र ने सतह प्रौद्योगिकी का उत्तम प्रयोग किया था। प्रत्येक स्क्रीन हाथ लगाते ही ऐसी बात करना शुरू कर देती थी जैसे उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो। तापमान में और चारों ओर के वायुमंडलीय दबाव में बदलाव लाना जीवन को अकल्पनीय रूप से आसान बना रहा है। इन पहलुओं में यह जितना शानदार था, उससे भी अधिक यह सुरक्षा के लिहाज से प्रभावशाली था। धनुष के आकार की छत के हर एक कोने में गति संवेदक कैमरे लगाए गए थे। गुंबद के अंदर कोई भी जो जहां भी जाता, वहां एक डिजिटल आंख साथ जाती। वीरभद्र एक समवेत चीख, सेवा निर्विघ्न। भारतीय सेना का पूर्व ब्रिगेडियर अपना कक्ष छोड़ सीधे गुंबद के प्रवेश कक्ष की ओर गया। प्रवेश करते ही उसने सशस्त्र पहरेदारों से घिरे कैदी को देखा। वे चारों उसके हथकड़ी लगे और आंखों पर पट्टी बंधी बेसुध शरीर को बरामदे से खींचते हुए ला रहे थे। उसके राख से सने नंगे पैर फर्श पर एक रास्ता सा बनाते जा रहे थे। वही वह व्यक्ति है, वीरभद्र ने सोचा। कैदी ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, केवल एक पतले और छोटे लंगोट ने उसके निचले भाग को ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर भस्म से पुता हुआ और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में लटकी हुई थी। उसके उलझे हुए बालों का आधा हिस्सा जूड़े से लिपटा हुआ जंग लगे लोहे के त्रिशूल से विभूषित था। वीरभद्र इस जगह 21 लोगों के समूह के साथ एक सिक्योरिटी चीफ के रूप में आया था, जिसमें बंदूकधारी और गार्ड्स भी शामिल थे। वह वहां एक विशेष कार्य के लिए गया था, अपने संप्रदाय में सबसे बेहतरीन पुरुष होने के कारण उसे दुनिया भर के विभिन्न संगठन गुप्त व सामाजिक अभियानों के लिए बुलाते थे, किंतु यह अभियान उन सबसे अलग था। वीरभद्र लगभग 6 फीट लंबा था। उसने अपने जीवन के पिछले 40 वर्षों में अच्छा जीवन व्यतीत किया था, जिसका पर्याप्त हिस्सा उसने सेना को समर्पित किया था। उसका चेहरा एक मामूली व्यक्ति की तरह था, कोई खास विशेषता नहीं थी। उसकी त्वचा सांवली और रंग रूटों जैसे बालों का कट उसके स्वभाव को और भी कठोर बना देता था। उसके दोनों हाथों पर ताजे जख्मों के निशान उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की गंभीरता को प्रकट करते थे। उसका सख्त गठीला शरीर,
उसकी काली जीन्स, सफेद टी शर्ट और भूरे रंग की लेदर जैकेट के नीचे काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें काले एवं चश्मे से ढकी हुई थीं। वह हमेशा अपनी पिस्तौल, जो उसकी कमर पर जैकेट से ढकी रहती थी, उसके बारे में हर परिस्थिति में सचेत रहता था। वीरभद्र ने एक गार्ड को उस आदमी की आंखों पर से पट्टी हटाने और उसके हाथों को मुक्त करने का आदेश दिया। उसने अपना चश्मा उतारा और तब उसकी दाईं आंख के नीचे एक निशान दिखाई पड़ा। वीरभद्र की गहरी काली आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थीं और वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहा। वीरभद्र और उसका बॉस एक आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि क्यों, वह बस यह जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया था और उससे पूछताछ की जानी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि किस बारे में, परंतु यह सुनिश्चित था कि जरूर कुछ गंभीर बात है। उसकी अधीरता अपने चरम पर थी, क्योंकि वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वह सबसे गुप्त और अंतर में चक्र में खड़े होने योग्य था। यदि नहीं तो उसे बुलाया ही क्यों गया। उसने सबसे प्रभावशाली मनुष्य के साथ काम किया था और उसके तरीकों को अच्छे से जानता था, लेकिन उसके यह नए उच्च अधिकारी अजीब थे। वे इस सब के बारे में बहुत चिंतित थे, फिर भी सब कुछ एक बड़ा रहस्य रखने में कामयाब रहे। वीरभद्र प्रवेश कक्ष में एक परिचित आवाज में अपने नाम की गूंज सुनकर वीरभद्र चौंक उठा। तो दोस्तों, अज्ञात सफर में आगे बने रहे। नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्द ही मिलता हूं। और हां, द लर्निंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।